देखिए इस मार्केट में कितना क्राउड है, मेरे पीछे आप देख सकते हो, इयररिंग्स भी लेने हैं मुझे। क्यों सस्ते में मिल रहा है तो कुछ भी उठा रही हो क्या? कुछ भी नहीं उठा रही हूँ, देख कितने अच्छे डिजाइन है। हेलो फ्रेंड्स, ओला अमिगोस, स्वागत है आपका स्पेन भ्रमण में। आज हम करने वाले हैं शॉपिंग। आपने मॉल में शॉपिंग की होगी, सुपरमार्केट में शॉपिंग की होगी, पर आज हम शॉपिंग करेंगे स्ट्रीट शॉपिंग। इंडिया में जैसे सोमवार का बाज़ार, बुधवार का बाज़ार, गुरुवार का बाज़ार, इस तरह के मार्केट लगते हैं, यहाँ माद्रिद में भी रोड पे संडे मार्केट लगता है और इस मार्केट को स्पैनिश में एल रास्ट्रो कहा जाता है। इस मार्केट में आपको रास्ते का माल सस्ते में मिलेगा बट क्वालिटी का कुछ भरोसा नहीं। ये एक बैग का शॉप है, यहाँ 3 यूरो से 6 यूरो तक बैग सेल हो रही है। मैंने पैराफिक शॉप से 3 महीने पहले इस तरह की एक बैग ली थी, वहाँ पे मुझे कुछ 45 यूरो में बैग मिली थी और यहाँ फिर सिर्फ 6 यूरो में बैग मिल रही है, तो फैशन की फैशन हो रही है। संजय, ये 6 यूरो में बैग मिल रही है, मैं लेना चाहती हूँ, कलेक्शन तो कलेक्शन हो जाएगा। ये 6 यूरो की बैग है और बैग में देखिए कॉइन्स लगे हुए हैं, मिरर वर्क है और चमड़े का उन्होंने पट्टा दिया है, बेल्ट दिया हुआ है और ये बेल्ट आप वन साइड भी ले सकते हो। फाइनली मैंने ये बैग ली है और ये बहुत ही छोटी बैग है बट इसमें एक पानी की बॉटल, मेरी पर्स और कुछ खाने की चीज़ें तुम ट्रैवल कर रहे हो तो लेके जा सकते हो, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बैग है और 6 यूरो में मिल रही है। मेरा डिज़ाइन का कलेक्शन, बैग का कलेक्शन भी बढ़ रहा है। तो ओके, थर्ड में स्कार्फ डालने की फैशन है, मैं स्कार्फ का शॉप ढूंढ ही रही थी तो देखिए यहाँ मैंने क्या देखा, 2 यूरो में स्कार्फ मिल रहा है, तो एक तो उठाना ज़रूरी है। उठा लो। कौन सा कलर है? ये वाला ब्लू ग्रे सब में जाएगा। ये कितने यूरो में मिल रहा है? 2 यूरो में मिल रहे हैं, 2 यूरो। तो ले लो, एक महीने यूज करो और फेंक दो। फेंक दो। वो नया पैकेट से निकाल के दे रहा है। नो इस तो होगी? नो से मिला? सी। रखला ही। अरे 2 यूरो में मिल रहा है, कितना टाइम वेस्ट करोगी? वेट रे, मैं डाल के देख लूँ ना कैसा लग रहा है। हाँ ठीक है चलो। ए संजय, मेरा फेवरेट एरिया आया है, यहाँ पे मिल रही है इमिटेशन ज्वेलरी, मुझे देखनी है प्लीज। रूप कितनी सारी डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल है और मैं क्या ले लूँ, ऐसे हुआ है मुझे। इसका कौन सा कोस्ता? डीएस संजू, आई लाइक दिस। ओके डीएस हीरो सी हीरो के ताले सब हुए ना? सी इसका बुएनो। वाले वाले देखा लो, मबेला मला तो। अरे योगिता क्या ले रही हो यहाँ पे? अरे इयररिंग्स लेने हैं, बैंगल्स लेने हैं और इयररिंग्स भी लेने हैं मुझे। क्यों सस्ते में मिल रहा है तो कुछ भी उठा रही हो क्या? कुछ भी नहीं उठा रही हूँ, देख कितने अच्छे डिजाइन है और हर ड्रेस में नो हमें लगता ही है कुछ अलग पहनो। तो घर में क्या कम है क्या मैडम, पूरा आपका बेडरूम का कबर्ड उससे ही भरा हुआ है। हाँ, वो कम ही है ना, इसलिए तो ले रही हूँ ना, कुछ भी। और इतनी सारी वैरायटी मिल रही है, वो भी सस्ते दामों में, लेना जरूरी है, कलेक्शन है ना। तो ठीक है यार, एक या दो चीजें उठाओ। ना रुक जरा प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा है तुम तो पूरा ये दुकान ही उठाने वाली हो। चुप भाई, ऐसा कुछ करने नहीं वाली हूँ मैं। नहीं सपोज है पूरे दुकान में जितनी चीजें हैं शायद 200 यूरो में आ जाएगी ना। शायद। चलो यार 2:30 बजने को आए, भूख लगी है। हाँ रुक ना, हो जाएगा, रुक जरा। एक्चुअली 2:30 बजे 2:30 को क्लोज भी हो जाता है। हाँ 2:30 का क्लोज होता है बट ओके, मैं फास्ट देख लूँगी, जरा रुक जरा प्लीज। अरे यार 2 घंटे से शॉपिंग कर रही हो, थक नहीं गई क्या? नहीं रे, यस थक तो मैं तो कैमरा पकड़ पकड़ के थक गया हूँ। मैं भी थक गई हूँ बट जितना चीज़ें आप देखते हो उतनी चीज़ें आपको लेने का मन होता है। और देखिए 1 यूरो में यहाँ क्या क्या मिल रहा है, गॉगल्स मिल रहे हैं, परफ्यूम मिल रहे हैं और क्वालिटी का तो मुझे पता नहीं बट ठीक है, आप फैशन के बारे में सोच रहे हो तो बहुत सारे टाइप है, कलर्स है, मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। इसका कौन तो
Eso es buenísimo, calidad excepcional. Esta la tienda vale más caro, cariño. No, कितने सारे अलग डिजाइन के पैटर्न यहाँ अवेलेबल है और ठंड से रिलेटेड ड्रेस के टाइप से है, तो मैं ये शॉप में जा रही हूँ, मेरे लिए क्या है मैं देखती हूँ। संजय, ये सारे शॉप लीगल है क्या? मीन्स हम भी क्या इस स्ट्रीट शॉप में अपना दुकान अपना ठेला लगा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, जितने भी शॉप्स है हर एक के पास उनका लाइसेंस है, उन्हें परमिशन होती है और पुलिस का तुम देख सकते हो, पुलिस यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस आके हर एक के पास आके लाइसेंस चेक करती है और ये सब लीगल है और ये लोग इसके लिए सब कुछ टैक्स भी भरते हैं। अच्छा, तो चलो देखते हैं। और देखिए यहाँ पे 2 यूरो में इयररिंग्स मिल रही है, तो मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है मुझे इयररिंग्स में। सिर्फ 2 यूरो में? सिर्फ 2 यूरो में ही। अरे क्या क्वालिटी होगी, क्वालिटी का जाने दे रहे, फैशन हो रही है ना, बस इयररिंग में क्या क्वालिटी। 2 यूरो की फैशन, उसके साथ स्टोन ज्वेलरी भी मिल रही है। तो देखिए हमारी यूट्यूबर 2 यूरो की फैशन कर रही है। यूट्यूबर क्या, सब लोग अपना पैसा बचाना चाहते हैं। नो मिरर तंबिया बाले पर्दों में। तो योगिता क्या हुआ, उसने बाहर जाने को बोला? हाँ वही रे, 2 बज गए ना, तो वो मुझे वही समझा रहा है, प्लीज आप दुकान से बाहर हो जाओ, आप मत ले लो, मत देखो, पुलिस ने देख लिया तो उन्हें फाइन लगेगा, ये मुझे वो समझा रहा है। ओके ठीक है, हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यस यस, मैं नहीं ले रही थी, बस देख रही थी, क्योंकि 2 यूरो में इयररिंग्स मिल रहे और ऑलरेडी मैं लेट आई हूँ, तो मुझे निकलना जरूरी है। तो चलो, यहाँ के रूल्स बहुत ही कड़क है, उसने ही मुझे दुकान से बाहर निकाला, वो बोल रहे अभी 2 बजे है तो दुकान बंद करना है, तुम निकलो नहीं तो मुझे मुल्ता लगेगा। मुल्ता मीन संजय? मुल्ता का मतलब होता है फाइन। फाइन, यस। यहाँ स्पैनिश में फाइन को मुल्ता कहते हैं। हाँ एक्चुअली लोग यहाँ टाइम के बहुत पक्के हैं, यदि उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया तो 2 बजे दुकान बंद होनी चाहिए, 2 बजे यहाँ पे पुलिस आ जाएगी और चेक करेंगे और जिनके शॉप खुले मिलेंगे उन्हें पहली एक वार्निंग दे देंगे और तभी भी नहीं सुन रहे तो वो लोग सीधा उनको फाइन मार देंगे। और वो फाइन भी शायद 200 या 400 यूरो की होती है। ऐसा हो सकता है उन्होंने बेचारों ने दिन भर में 100 यूरो कमाया होगा लेकिन बेचारे फाइन 200 यूरो की भरेंगे, इसलिए ये यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं। यदि 2 बजे का टाइम है तो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ अभी दुकान बंद करनी है, आप बाहर जाओ, और अकॉर्डिंगली ये क्या करेंगे, अभी 2 बजे अपनी दुकान सीमेंट लेंगे और ये लोग निकल जाएंगे। आप बुक लवर्स हो तो यहाँ पे आपको एक बुक स्टॉल भी मिलेगा जहाँ पे सेकेंड हैंड बुक आपको आप खरीद सकते हो और खूब ही सही दामों में यहाँ मिलते हैं। लोकल फूड का शॉप भी है यहाँ पे, यहाँ पे आपको वेफर्स मिलेंगे, अचार मिलेंगे अलग अलग टाइप के, फिर स्वीट्स मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। तो अचार में यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, उन्होंने कैरेट रखे है, ऑलिव है, छोटे ऑनियन है, छोटी ककड़ी है, पर ये हमारे मसाले नहीं है इसमें, यहाँ के लोकल विनेगर में ये स्टोर किए जाते हैं और ये बहुत पसंद है यहाँ पे खाने में। एक्चुअली ये ड्रिंक के साथ लोग प्रेफर करते हैं, हमारा चकना। सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये हमारा चकना है। तो उसमें आपको बैंगन भी मिलेंगे, शिमला मिर्ची मिलेंगी और फिश की, जो नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ फिश भी स्टोरेज होता है अचार के जैसा, तो ये फिश की वैरायटी भी आपको यहाँ मिलेगी। संजय, यहाँ वेजिटेबल और फ्रूट फ्रेश मिलते हैं, डायरेक्ट फार्म से आते हैं, तो वो शॉपिंग भी हमारा आज नहीं होगा क्योंकि दुकानें बंद हो रही है, फिर भी ट्राई करने में क्या अर्ज है ना, हम वहाँ तक जाएंगे, प्लीज़ ज़रा देख सकते हैं। चलो देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो मार्केट लगते हैं वेजिटेबल और फ्रूट के वो डायरेक्टली फार्म से आते हैं, जैसे हम सुपर मार्केट में देखते हैं फ्रोजन रहते हैं या फ्रिज के रहते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, यहाँ देखेंगे तो वेजिटेबल और फ्रूट होलसेल भाव में आपको मिलते हैं, डायरेक्टली फार्म से आए होते हैं, तो सारा फ्रेश रहता है। तो शायद आज मेरी वो खरीदी नहीं हो पाएगी, पर देखने में क्या हर्ज है। एक्चुअली हम मार्केट में थोड़ा लेट आए, 12 बजे है, फिर भी 2 घंटे मिले हमें शॉपिंग करने के लिए। अभी आप देख सकते हो हमारे पीछे सब ट्रांसपोर्ट कार है, ट्रांसपोर्ट वैन है, अभी ये सब लोग अपना सामान जो कुछ है वो सीमेंट लेंगे और अभी ये लोग निकल जाएंगे, क्योंकि अभी 2 बज गए हैं और पुलिस की अभी चेकिंग होगी तो इनका भी निकलने का टाइम हो गया है। योगिता शायद
हमें भी अभी निकलना होगा, हमें भी निकलना होगा। दुकानें अभी सब बंद हो रही है और फिर से ये नॉर्मल यहाँ का जो ट्रैफिक है वो चालू होगा यहाँ से। ये मेन सेंटर एरिया है। हाँ यस, आप देखोगे विद इन 10 मिनट्स ये दुकानें पटापट बंद हो जाएंगी और ये ट्रैफिक के लिए ये रास्ते खुल जाएंगे। देखिए मेरे पीछे पुलिस है और उनकी निगरानी में सारे शॉप बंद हो रहे हैं। वो सबको वार्न कर रहे हैं, वार्निंग दे रही है, वार्न कर रहे हैं कि दुकान बंद करें।